हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में आपके इसी पुराने चैनल पर। और आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है, नई दिल्ली से थाईलैंड जाने वाले हैं हम लोग। थाईलैंड में फुकेट जानते हैं आप लोग, बहुत नाम सुना होगा। काफ़ी लंबी यात्रा होने वाली है और काफ़ी मज़ा यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय है हम लोग नई दिल्ली एयरपोर्ट पर और लॉन्च में हमारी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट में टाइम है। तो क्यों ना बैठ के थोड़ा सा आराम किया जाए और थोड़ा सा किया जाए अपनी फ्लाइट का इंतज़ार। जल्द ही हमारा नंबर आने वाला है और हम निकल लेंगे यहाँ से, उड़ान भरेंगे सीधे फुकेट के लिए। तो हम अब अपने फ्लाइट में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही अपनी सीट पर होंगे, उसके बाद ये यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाएगी। तो गाइस, आप इस समय देख सकते हैं बादलों के ऊपर तैरते हुए हमारी फ्लाइट और हम भी बादलों के ऊपर हैं। बहुत जल्द थाईलैंड पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है कुछ ही मिनट में हम लोग लैंड करने वाले हैं। गाइस, हम लोग फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फुकेट पहुंचने के बाद हम अपने होटल में थोड़ा सा आराम करते हैं, तब तक शाम हो जाती है। और शाम होते ही हम निकल लेते हैं फुकेट से मार्केट देखने के लिए, बाज़ार देखने के लिए और चहलकदमी करने के लिए, ताकि आपको बताएं कि यहाँ पर भारत से क्या अलग है। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सब कुछ इस समय वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ के पास में एक बीच है, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा घूमने वाले हैं। तो रात में बीच देखने के बाद हम काफ़ी थक जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने होटल पर। इस समय हम अपने होटल के सामने खड़े हुए हैं, जिसका नाम है फिशरमैन हार्बर अर्बन रिसॉर्ट, और इसी में हम लोग रुके हुए थे। काफ़ी अच्छा ये होटल है और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल था। अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है घूमने के लिए फुकेट, और सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं कौन सी जगह, मुझे नहीं पता। अभी आप वीडियो में खुद देखिएगा कि कहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं और क्या क्या हम लोग घूम रहे हैं। तो फुकेट में हमारे अगले दिन का पहला डेस्टिनेशन बनता है टाइगर किंगडम, जो कि काफ़ी फेमस है फुकेट शहर के लिए। पूरे वर्ल्ड में लोग उसे जानते हैं और यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं, मैन के साथ साथ वाइल्ड का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग टाइगर के साथ पास तक पहुँच जाते हैं और काफ़ी नज़दीक से आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टाइगर घूम रहे हैं। भाई, जिस टाइगर को देख के हम लोग डर जाते हैं, इन सज्जन को आप देखिए कि कैसे ही बिल्ली की तरह टाइगर को बना के रखे हैं और नाम दिया है टाइगर किंगडम। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, टाइगर किंगडम देखने के बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ती है फुकेट के एक और फेमस प्लेस की तरफ, जिसका नाम है बुद्धा टेम्पल। तो दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं बुद्धा टेम्पल, जो सामान्य भाषा में है, वैसे इसका नाम है वाट चैया थाराराम, जो कि चैलांग एरिया में पड़ता है, इसलिए इसे वाट चैलांग बौद्ध टेम्पल भी कहा जाता है। वैसे तो ये मंदिर भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ में ही ये डेडिकेटेड है चैलांग के दो फाइटर्स लुआंग फाओ च्यम और लुआंग फाओ चुआंग, जिन्होंने 1876 में चीनियों से लड़ते हुए यहाँ के नागरिकों को बचाया था, तथा अपने प्राकृतिक दवाओं के बारे में जानकारी रखने के कारण इन्होंने लोकल घायलों की काफ़ी मदद की थी। इसलिए भगवान बुद्ध के साथ साथ इनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है और इनका भी टेम्पल या मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ, अरे वीडियो में आ रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं अवधेश मणि तिवारी को, जिनकी वजह से ये वीडियो पूरा आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं, और काफ़ी मेहनत इन्होंने इस वीडियो को बनाने में की है। तो इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी इनके ऊपर ही है, इन्होंने ही इस वीडियो को बनाया है। और इस समय हम लोग बुद्धा टेम्पल का मजा ले रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हो गया, हम लोग इस समय थाईलैंड के फुकेट शहर के बुद्धा टेम्पल में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है भगवान बुद्ध का। और थाईलैंड में लगभग 95% लोग बुद्धिस्ट हैं।
तो बुद्धा टेम्पल देखने के बाद हमारा काफिला निकल पड़ता है पटांग बीच की तरफ। जो बीच का पुरानी थी उसे उन्होंने आप देख लेना, पटांग पटांग जो भी है, काफी अच्छा ये बीच है। और फुकेट की अब एक और टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जाता है इसे। और इस बीच के पास में ही काफी घूमने वाली प्लेसेस हैं जिनको मैं आगे और आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप समुन्द्र के लहरों का मजा लीजिए। शाम के समय हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो टाइम वाइज तो काफी अच्छे समय पर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और खूबसूरत इन वादियों का नजारा ले रहे हैं। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है फैंटेसी में। फुकेट फैंटेसी नाम है इसका और ये थाई कल्चरल थीम पार्क है। और यहाँ पर जो थाईलैंड से रिलेटेड जितनी भी उनकी कल्चरल बिलीफ्स हैं और कल्चरल जो उनका पूरा सिस्टम है, वहाँ पर यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पुराने समय से लेकर आज तक संजोई गई पूरा ये थीम पार्क बना हुआ है। शहर के बीचों बीच में पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे थीम पार्क गए होंगे या कार्निवल में गए हैं और प्रदर्शनी समझ लीजिए, तो ये परमानेंट एक एग्जीबिशन टाइप का इन्होंने बना रखा है और बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड लेवल पर इसे लोग जानते हैं। कुछ जगहें यहाँ पर ऐसी हैं कि जो यहाँ पर इंटर कल्चरल इवेंट होते हैं वहाँ पर आप कैमरा अलाउड नहीं है, वो आपको जाए आप सामने वहाँ देखें और फिर वापस आ जाएं। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बफे यहाँ पर लगाया गया है, आप इसमें अपनी आंखों से देख रहे होंगे। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बफे है और आपको अगर जानकारी ना हो तो बता दूँ कि बफे का इन्वेंशन भी थाईलैंड से ही हुआ था और पूरे विश्व में काफ़ी जाना माना गया। और यहाँ पर एक साथ इतने लोग बैठ के खाना खा सकते हैं और हम लोग भी यहाँ पर भोजन जरूर करेंगे साथ में। अब आप इस समय ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, ये थिएटर है। यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो दिखाई जाती हैं वहाँ पर कैमरा ले जाने अलाउड नहीं होता है, फ़ोन आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। काफ़ी मज़ा यहाँ पर आता है, लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर और जो लोग आते हैं काफ़ी इन्जॉय करते भी हैं। तो आप भी इन दृश्यों का मनोरंजन कर सकते हैं अगर आप फुकेट कभी आए। तो अब भाई घूमते घूमते हम लोग गए हैं थक, और लेकिन एक डेस्टिनेशन यहाँ का बचा हुआ है जिसे आप वॉकिंग स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। विश्व में ये बंगला रोड के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्लब्स, बार और भी न जाने क्या क्या जो आप सोच सकते हैं। थाईलैंड का जो फेमस जो चीज़ें हैं वो आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगी। हम लोग बस ऐसे ही घूमते हुए निकल रहे हैं, सोचा आपको वीडियो को दिखा दें। अगर आप कभी आएँ कहीं भी अंदर जाना चाहें तो आपके लिए बिल्कुल अफकोर्स अंदर जा सकते हैं, उसका चार्ज अलग दे होगा। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। नमस्कार।